राजस्थान के अलवर में गुरुवार देर रात एक अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद बोलेरो में आग लग गई। इससे केबिन में फंसे दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक मृतक की शिनाख्त पचकुई खेड़ली निवासी भीम सिंह जाट के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक खेड़ली के भनोखर मार्ग पर भीम सिंह पचकुई से अपनी बोलेरो गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति के साथ भनोखर की तरफ जा रहा था। पेड़ से टकराने के बाद बोलेरो के इंजन में आग लग गई। इससे केबिन में धमाके के साथ आग लग गई। हादसे के बाद बोलेरो का गेट जाम हो गया। इससे गाड़ी में सवार दोनों लोग उसी में फंस गए। आग लगी देख आसपास के लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। थोड़ी दूर पर मौजूद पेट्रोल पंप से व्यक्ति आग बुझाने का सिलेंडर लेकर आया। कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों ने बोलेरो के दरवाजे का लॉक खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन 8 से 10 फुट ऊंची लपटों के कारण कोई गाड़ी के ज्यादा पास नहीं जा सका। मामले की सूचना खेडली पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। आग पर काबू पाने के बाद दो लोगों के जले हुए शव निकाले गए। दूसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।